सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। ओके, आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो अभी भी हमारा एसटीपी है। हमारा एसटीपी अभी भी चल ही रहा है। इट्स नॉट, अगर आप L2 का सबसे बड़ा प्रोटोकॉल की बात करें तो वो एसटीपी है। सो अभी भी इसकी एक दो क्लास और होगी। एसटीपी में हमने सबसे पहले पढ़ा था, हमने जिसको हम बोलते हैं कॉमन स्पेनिंग ट्री, जो सबसे पहले आया था, जब एसटीपी का पहला फॉर्म मान सकते हो, जिसका कौन सा था, ATO2W1D, दैट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एसटीपी। इस एसटीपी के साथ सिस्को ने अपना ओन प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल निकाला, वो था PVST। ठीक, PVST क्या करता है, बेसिकली कॉमन स्पिनिंग ट्री क्या करता था, इट रन सिंगल कैलकुलेशन फॉर इंटायर टोपोलॉजी। ठीक है, सिंगल कैलकुलेशन फॉर एंटायर टोपोलॉजी। पीवीएसटी में क्या हुआ कि भाई जो ब्लॉक लिंक हो रही है उसको हम क्यों ना यूटिलाइज करें, तो पीवीएसटी में क्या कहा होगा कि भाई पर वीलेन हम कैलकुलेशन करेंगे, पर वीलेन, और हर वीलेन का हम अलग रूट ब्रिज बना सकते हैं, जिससे क्या हुआ भाई हम सारी लिंक को यूटिलाइज कर सकते थे। दैट इज गुड। अगेन जब ये पता चला कि भाई दिस इज नॉट, आई मीन इट्स टेकिंग टू मच टाइम फॉर रिकन्वर्जेंस, इफ अगर कुछ डाउन चला जाता है तो रिकन्वर्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, देन जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल आया RSTP, रैपिड स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल। रैपिड स्पेनिंग ट्री को किस में डिफाइन किया गया, ATO2W1W, ये इसका स्टैंडर्ड। ये कन्वर्ज में 50 सेकेंड लगाता था, ये 30 सेकेंड लगाया। जब RSTP आया तो RSTP के साथ सिस्को ने अपना लॉन्च कर दिया, रैपिड PVST प्लस, रैपिड PVST प्लस। ठीक, तो ये चार फ्लेवर आपको एसटीपी के देखने को मिलेंगे जो कॉमन होंगे, दैट इज कॉमन कॉमन एस स्पेनिंग ट्री फ्लेवर, राइट। जो पांचवा है एक, जो वो है MST। MSTP मल्टीपल स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल। क्या है मल्टीपल स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल? ओके, हमें पता है कि वह सिस्को में क्या करता है, सिस्को क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो सिस्को का स्विच आता है वो PVST पे आता है। PVST, अगर आप सिस्को का स्विच निकालोगे, बॉक्स के बाहर निकालोगे, तो उसमें देखोगे उसमें जो बाय डिफॉल्ट स्पेनिंग ट्री का मोड जो रद चलता है वो चलता है PVST। आजकल जो नए स्विच आते हैं उनमें चलता है रैपिड PVST बाय डिफॉल्ट। अब इनमें दिक्कत क्या है, व्हाट इज इश्यू विद द PVST प्लस? ठीक, तो दिक्कत वैसे तो कुछ नहीं है, अगर आपके नेटवर्क में 20 VLAN हो या 10 VLAN हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्विच इजिली कैन कैलकुलेट 20 कैलकुलेशन, राइट। क्योंकि पर वीलेन क्या बोलता है कि भाई आई विल रन सेपरेट एसटीपी इंस्टेंस फॉर पर वीलेन, तो लगभग ठीक है। देन व्हाट इज एमएसटी डज, एमएसटी क्या बोलता है कि भाई मान लेते हैं आपके पास, मान लेते हैं आपके पास 100 VLAN है, या मान लेते हैं 200 VLAN है। अब 200 VLAN की कैलकुलेशन आपको रन करनी पड़ेगी। अब अगर आप क्या चला रहे हो, PVST या रैपिड PVST प्लस चला रहे हो, अब 200 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या लगेगा, आपके रिसोर्सेज लगेंगे। रिसोर्सेज क्या हो गया, वही CPU, RAM, हार्डवेयर, क्या लगेंगे आपके रिसोर्सेज लगेंगे भाई। के भाई 5-7 VLAN चल रही है, 5-7 STP की कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पर वीलेन यही करता है ना, पर वीलेन स्पेनिंग ट्री कैलकुलेशन रन करता है। लेकिन मान लेते हैं 200 है, तो 200 में तो भाई स्विच मजबूत चाहिए, मजबूत भी चाहिए प्लस वो भी सफिशियंट है या नहीं हम नहीं कह सकते। ठीक, तो क्या कहा, एक जो नया एसटीपी का फ्लेवर आया वो बोला एमएसटी। एमएसटी क्या का, एमएसटी क्या कहता है, क्या भाई आप वीलेन के ग्रुप बना दो, क्या बना दो,
विलेन के ग्रुप बना दो, इससे क्या होगा? क्या मान लेते हैं कि भाई 30 विलेन का एक ग्रुप बना दो, और फिर 30 विलेन का एक ग्रुप बना दो, फिर 40 विलेन का एक ग्रुप बना दो। अब जब ये 100 विलेन थी तब हमारे पास 100 कैलकुलेशन चलती थी, लेकिन जैसे ही हमने एमएसटी किया, ग्रुपिंग की विलेन की, अब कितनी कैलकुलेशन चल रही है? 3, 1, 2, 3। अब पर रीजन, इसमें एमएसटी रीजन होता है, ठीक है, तो पर रीजन पर कैलकुलेशन चल रही है, तो 3 कैलकुलेशन से 30 विलेन का एक रूट ब्रिज बन जाएगा, 30 विलेन का एक रूट ब्रिज बन जाएगा, 40 का एक रूट ब्रिज बन जाएगा। सो दैट इज एमएसटी। एमएसटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ, एक रूट चूज करना फॉर ग्रुप ऑफ विलेन्स, ठीक है, और वो ग्रुप ऑफ विलेन्स केवल एक एमएसटी कैलकुलेशन रन करेगी, केवल एक एमएसटी कैलकुलेशन रन करेगी। पीवीएसटी में क्या करता थी? हर विलेन कैलकुलेशन रन करती थी, लेकिन एमएसटी में ओनली द ग्रुप ऑफ विलेन डज दैट। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट एमएसटी। कन्फिगर कैसे करते हैं? दैट इज लेटर पार्ट, जब हम सीसीएनपी करेंगे, दैट इज पार्ट ऑफ सीसीएनपी, ठीक है, एमएसटी। तो इसको हम बाद में करेंगे कवर, कन्फिगरेशन में, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भाई एमएसटी हम क्यों यूज लेते हैं, पीवीएसटी में ऐसी क्या कमी थी कि भाई हमें एमएसटी यूज में लेना पड़ा। तो इज दैट क्लियर? क्लियर है ना सबको? ओके ऑल राइट, अब हम चलते हैं एक टॉपिक पर, प्रोटेक्टिंग द रूट। प्रोटेक्टिंग द रूट ब्रिज, के प्रोटेक्टिंग द रूट ब्रिज का मतलब रूट ब्रिज की सुरक्षा करना। कैसे करेंगे सुरक्षा? अब रूट ब्रिज की सुरक्षा कैसे करते हैं? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट इट? जैसे मान लेते हैं ये मेरा सेंटर ऑफ द नेटवर्क है, ये मैंने क्या बनाया है? इंटेंशनली इसको रूट बनाया है, ठीक है, मेरे लेयर टू टोपोलॉजी का ये रूट है। ये वाला क्या है? रूट। और मैं चाहता हूं कि भाई यही मेरे नेटवर्क का सेंटर है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए मेरा रूट यही रहे, ठीक है, जब तक ये स्विच चालू है हमेशा रूट यही रहे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि भाई इस नेटवर्क का सेंटर कहाँ है, मैंने डिजाइन किया इस नेटवर्क, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि भाई सेंटर पॉइंट कहाँ है इसका, नेटवर्क मेन कोर डिवाइस कौन सी है मेरी। अगर कोर डिवाइस रूट ब्रिज बनेगी तभी तो वो सेंटर पॉइंट बन पाएगी। तो भाई ठीक है, मैंने इसको रूट ब्रिज बना दिया। कैसे बनाया? इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करके, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करके। अब इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कैसे किया? इसकी मैंने प्रायोरिटी कम कर दी, राइट, प्रायोरिटी जैसे ही मैंने कम की ये रूट ब्रिज बन गया। अब चाहे इनका मैक एड्रेस पुराना हो कुछ हो, कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि सबसे पहले जो रूट ब्रिज के सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो चीज देखी जाती है वो प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी मैंने कम कर दी, देन इट बिकम ए रूट ब्रिज, दैट्स फाइन। तो मैंने क्या किया कि भाई इनकी तो डिफॉल्ट रहने थी, और इसकी मैंने क्या कर दी, 4096 इसकी कॉस्ट कर दी, जैसे इसकी की इसने ये रूट ब्रिज बन गया। ऑल राइट, अब क्या हुआ, कल किसी ने, मान लेते हैं गलती से किसी ने स्विच लगा दिया इधर, ठीक, या फिर आपने स्विच लगा दिया इधर, या फिर आप मान सकते हो कि भाई इसी स्विच पे किसी ने बदमाशी सूझी किसी को, बोला कि भाई रूट ब्रिज में बनूंगा, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या जो L1 टेक्नीशियन है उसने लॉगिन किया और इसकी प्रायोरिटी जीरो कर दी। अब क्योंकि 4096 से जीरो छोटा है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ब्रिज आईडी सबसे छोटी हो जाएगी, ब्रिज आईडी जीरो, इसका मतलब रूट ब्रिज क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो फिर भाई मेरा इसका
क्या मतलब रहा, मैंने इतनी मेहनत से इसको रूट ब्रिज बनाया, सिलेक्शन किया, और मुझे पता है कि भाई यही रूट ब्रिज रहना चाहिए, लेकिन कल किसी ने इससे कम प्रायोरिटी करके मेरा ताज ले लिया, अब रूट ब्रिज ये, दिस इज नॉट फेयर। दिस इज नॉट फेयर राइट। तो मैं क्या करूंगा भाई अब? तो बोला कि भाई मैं रूट ब्रिज ही रहूंगा जब तक चालू रहूंगा, तो क्या करो आप मेरे पे एक रूट ब्रिज रूट गार्ड लगा दो। क्या लगा दो? रूट गार्ड। ओके, बोला कि भाई रूट गार्ड क्या होता है? बोला कि भाई रूट गार्ड एक एसटीपी का ही फीचर्स है। क्या है? एसटीपी का ही फीचर्स है। किसके काम आता है? प्रोटेक्टिंग रूट ब्रिज। किस काम आता है? प्रोटेक्टिंग रूट ब्रिज। ओके, ये क्या कहता है रूट गार्ड? क्या कहता है? बोला कि मेरे अगर किसी के इंटरफेस पे, मेरे किसी इंटरफेस पे अगर रूट गार्ड इनेबल कर दिया और उस इंटरफेस पे कोई भी पीडीयू छोटी ब्रिज आईडी लेके आया या लोअर ब्रिज आईडी लेके आया, तो मैं उस पोर्ट को क्या कर दूंगा? ब्लॉक कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ब्लॉक कर दूंगा। जो एग्जैक्ट चीज वो करता है, वो करता है एसटीपी इनकंसिस्टेंट। एसटीपी इनकंसिस्टेंट अगेन। रूट गार्ड क्या होता है? जिस स्विच पे या जिस पे मैंने रूट गार्ड इनेबल कर दिया, अगर उस स्विच पे लोअर ब्रिज आईडी का कोई बीपीडीयू मैसेज आता है, तो जिस पोर्ट से वो लोअर ब्रिज आईडी का बीपीडीयू आया है, उस पोर्ट को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। एग्जैक्ट क्या करता है? एसटीपी इनकंसिस्टेंट मोड में उस पोर्ट को भेज देगा। क्यों भेजेगा? बोला कि भाई मेरे पे रूट गार्ड इनेबल है और तू लोअर बीपीडीयू लेकर आया है, तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। रूट ब्रिज एडमिनिस्ट्रेटर ने तय कर रखा है कि भाई जब तक तू चालू रहेगा तो ही रूट ब्रिज रहेगा, और तुम लोअर ब्रिज आईडी लेके आ गए, अगर मैंने अलाउ कर दी तो तुम रूट ब्रिज बन जाओगे, और ये मैं नहीं चाहता। तो क्या कर दिया हमने? रूट गार्ड के थ्रू हमने रूट ब्रिज की क्या की? प्रोटेक्शन की। अब जैसे इसने, अब क्लियर है ना ये क्या करता है रूट गार्ड? यस सर। किसी को डाउट है कोई? ओके, सो लेट्स कॉन्फिगर इट। कैसे होता है ये सीखते हैं। ओके, तो रूट ब्रिज कौन सा बना है अभी? मेरे हिसाब से यही बना है। लेट्स वेरीफाई शो स्पेनिंग ट्री। ओके, दिस इज द रूट। मैं चाहता हूँ ये वाला स्विच रूट ब्रिज बनाए, ये सेंटर पॉइंट रहे, ये मेरा कोर स्विच वन है, ठीक है, तो ये रूट ब्रिज रहे। ओके, क्या करना पड़ेगा? होस्ट नेम कोर वन। ओके, स्पेनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी। आठ हजार 192। ठीक, अब देखते हैं क्या बना है। शो स्पेनिंग ट्री, दिस ब्रिज इज द रूट। बन गया ना, ये इस टोपोलॉजी का रूट ब्रिज बन गया। और मैं चाहता हूँ कि भाई अभी देखो, ये रूट ब्रिज बन गया ना, बन गया करेक्ट।
और मुझे पता है ये इस टोपोलॉजी को देख के यही लग रहा है ना कि भाई दिस इज अ सेंट्रल पॉइंट, मेरा ट्रैफिक ये पोर्ट ये स्विच हमेशा मेरा रूट ब्रिज ही रहे। लेकिन देखते हैं अभी इस पे क्या करते हैं, इस स्विच पे जाते हैं और क्या करते हैं, स्पेनिंग ट्री विलेन 1 प्रायोरिटी 0। ओके जैसे ही मैंने 0 की, शो स्पेनिंग ट्री, बोल रहा है कि दिस ब्रिज इज द रूट, राइट। अब क्या करें भाई, ये तो ये रूट ब्रिज बन गया, तो फिर मेरे इस रूट का क्या काम है अब। तो क्या करता हूँ मैं, वापस हटा देता हूँ स्पेनिंग ट्री वीलेन 1 प्रायोरिटी 3268, 3268 शो स्पेनिंग ट्री, अभी भी यही रूट है। तो एक बार फॉरवर्ड क्लिक करते हैं क्विकली, अब देखते हैं, बोला कि अब मैं रूट नहीं हूँ, 0/2 ये वाला जा रहा है मेरा रूट ब्रिज तक, तो ये वापस रूट ब्रिज बन गया। शो स्पेनिंग ट्री दिस ब्रिज इज द रूट, ऑल राइट। अब मैं चाहता हूँ भाई जो अभी इस स्विच ने किया वो कोई नहीं कर पाए मेरी टोपोलॉजी में, तो मैं क्या करूंगा, इस पे जाऊंगा, ऑल राइट, कॉन्फ़िगरेशन टी, कौन से इंटरफेस पे जाऊंगा, कोई से भी एक इंटरफेस पे चला जाऊं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्पेनिंग ट्री गार्ड रूट, ठीक। सिमिलरली हम बाकी इंटरफेस पे भी कर सकते हैं, 0/3 स्पेनिंग ट्री गार्ड रूट, एक पे करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब हमने रूट गार्ड लगा दिया, अब क्या देगा, शो स्पेनिंग ट्री, बोला कि भाई यही रूट है, राइट। और अब क्या करता हूँ मैं, इस स्विच को वापस, इस स्विच को क्या करता हूँ, वापस प्रायोरिटी 0 देता हूँ, देखता हूँ रूट ब्रिज बनता है नहीं। स्पेनिंग ट्री वीलेन 1 प्रायोरिटी 0, ओके ओके बन गया ना, दिस ब्रिज इज द रूट, नहीं बनना चाहिए क्या है, होना तो नहीं चाहिए था ना ऐसा। देखो ये पोर्ट क्या है, फास्ट इथरनेट 0/3 किस में चला गया है, ब्लॉकिंग स्टेज में, स्टेट में चला गया है, ऑल राइट। इस पे देखता हूँ, शो स्पेनिंग ट्री, काम नहीं किया क्या स्पेनिंग ट्री, ये कैसे हो गया, बन कैसे गया रूट कॉस्ट 0/1। अच्छा ये वाला पोर्ट पे नहीं किया था ना हमने, कि 0/1 स्पेनिंग ट्री गार्ड रूट, या हम शो स्पेनिंग ट्री वीलन 1 रूट, नो नो नो, ओके। अब देखो ये इसने पोर्ट ब्लॉक कर दिए, शो स्पेनिंग ट्री दिस ब्रिज इज द रूट, और ये रूट ब्रिज रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी रहेगा, दिस ब्रिज इज द रूट, ओके। क्योंकि इसने यहां से पैकेट भेजा तो मुझे ब्लॉक तो करना चाहिए, पता नहीं ब्लॉक क्यों नहीं किया, सुपीरियर बीपीडी इस इंटरफेस में भी आ रहा है तो इस पे भी होना चाहिए। टिक 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 टिक, लेट्स सी,
ठीक, जब हमने इसको इस पे क्या किया, व्हेन वी इनेबल्ड, इस पे क्या किया, जब हमने रूट गार्ड इनेबल किया, तो इस इंटरफेस ने इसने क्या भेजा, लोअर ब्रिज आईडी। अब लोअर ब्रिज आईडी भेजी तो भाई इसको हमने क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है, तो हमने क्या किया भाई, इसको तो हम अलाउ नहीं करेंगे लोअर ब्रिज आईडी को, तो इस पोर्ट को क्या इसमें डाल दिया, एसटीपी इनकंसिस्टेंट पोर्ट, किसमें डाल दिया, कंसिस्टेंट पोर्ट। ऑलराइट, अब क्या किया भाई, ये तो खुद तो रूट ब्रिज है ही है, लेकिन इन सारे स्विचेस को नेटवर्क से अलग कर दिया, क्या कर दिया, अलग कर दिया, अलग मींस कि भाई अब इसका लोअर ब्रिज आईडी है तो ये तो रूट ब्रिज तो बनेगा, एसटीपी रूल तो यही कहता है कि भाई जिसकी लोअर ब्रिज है तो वो रूट ब्रिज बनेगा, तो ये भी क्या है, रूट ब्रिज है, ये भी क्या है, रूट ब्रिज है। अब हमारे पास दो रूट ब्रिज हो गए, ठीक, तो हमने, दैट्स हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर रूट ब्रिज। अब हुआ क्या था उस टोपोलॉजी, देखो जैसे इससे इधर से गया बीपीडी मैसेज, ओके इसने ब्लॉक कर दिया, अब वो बीपीडी इधर भी गया, ठीक, इधर से जाके इधर गया, फिर इधर आया, इधर से आते इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया, अब वो इधर गया, इधर आया, इधर से भी ब्लॉक कर दिया, तो जहां से भी लोअर लोअर बीपीडी आएगा वो सारे के सारे पोर्ट क्या कर देगा, ब्लॉक, एसटीपी इनकंसिस्टेंट। सो दैट इज एसटीपी, हियर हियर इज द एग्जैक्ट मैसेज, स्पेनिंग ट्री रूट गार्ड ब्लॉक टू बिकम नॉन डेजिग्नेटेड इन वीलैन वन। क्या है एग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट मैसेज आता है वो आता है जब हमने, ऑल राइट लेट्स टेक ए न्यू टोपोलॉजी क्विकली एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट। ओके ये रूट ब्रिज बन गया, इसकी प्रायोरिटी क्या कर देता हूँ, स्पिनिंग ट्री विलियन वन प्रायोरिटी 4096। ओके इंटरफेस पे जाता हूँ, फास्ट इथरनेट 0/1, स्पिनिंग ट्री गार्ड रूट, ओके अब क्या करता हूँ, इस स्विच की प्रायोरिटी 0 कर देता हूँ, तो ये अलाउ नहीं करेगा, अब इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, दोनों स्विच क्या बन जाएंगे, रूट ब्रिज बन जाएंगे, स्पेनिंग ट्री वीलेन वन प्रायोरिटी 0, जैसे ही 0 की ब्लॉक। अब देखो रूट गार्ड ने पोर्ट 1 को ब्लॉक कर दिया बिकॉज इट नॉन डेजिग्नेटेड इन वीलेन, इनकंसिस्टेंट मूव्ड टू, देखो ये आ गया ना, रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट, रूट इनकंसिस्टेंट, अब ये भी रूट ब्रिज है अपनी जगह और वो भी रूट ब्रिज है, मतलब बेसिकली नेटवर्क से कट कर दिया उसको, और ये भी रूट ब्रिज है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कोई सवाल है, कोई डाउट है इसमें?